तो कांग्रेस ने अपना वचन पत्र रीलॉन्च किया है, जिसके जवाब में बीजेपी जल्द ही 28 विधानसभा सीटों के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा ने कांग्रेस के वचन पत्र को कमलनाथ का कपट पत्र बताया है और साथ ही कहा है कि राहुल गांधी की फोटो लगाकर वचन पत्र रीलॉन्च करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं दिग्विजय सिंह के द्वारा सिंधिया समर्थकों विधायकों को रिपोर्ट कार्ड लगाने और उनके पोस्टर लगाकर 35 करोड़ रुपए से में बिकने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपना वचन पत्र रिलॉन्च कर दिया है, झूठ पत्र है। और जिस प्रकार से वो शिवराज सिंह चौहान को कोसते रहे, तो मैं तो ये कहूंगा कि वो मध्य प्रदेश के अंदर उनको जरूरत क्या लगी। आपने जो पहले वचन पत्र जारी किया था, जरा उसी की चार बातें पूरी कर देते, आप उसी के बारे में बात करते। आपने एक भी मुद्दा पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है, आपके वचन पत्रों को कोई मानने वाला नहीं है अब, क्योंकि जिस कोरोना के बारे में आज कह रहे हैं, आप मुख्यमंत्री थे, कोरोना के बारे में एक कदम आपने नहीं बढ़ाया था। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब जाकर के चीजें पूरी हुई है। तो कुछ उम्मीद लग रही है कि राहुल गांधी का फोटो लगाने से? हाँ, राहुल गांधी तो खुद इनसे नाराज है, वो कह रहे हैं कि मेरी जरूरत नहीं है, तो उन्हें मैंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, 10 दिन के अंदर कर्ज माफी। राहुल गांधी तो उल्टे नाराज है। हमने पूछा कि दिग्विजय सिंह कहाँ है, दिग्विजय सिंह के सारे पर सरकार चल रही थी, लेकिन प्रदर्शन कायम है। दिग्विजय सिंह ने एक आरोप भी लगाया है, ट्वीट भी किया है, जिसमें जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं उनका रेपो रेट लगाया है। दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति जब खुद यह कह चुका है कि मेरे जाने से वोट कटते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता में क्या है जो वो खुद कहते हैं? आप मुझे बताओ कि इस प्रकार के झूठे आरोप क्या ऐसे लोगों की जनता मानेगी? और अगर है तो जाइए, प्रूफ दीजिए, हम डिफॉर्मेशन का केस भी करेंगे, उनके खिलाफ FIR करेंगे। सर, संकल्प पत्र आप लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या माना जाए वचन पत्र का जवाब? विधानसभाओं के संकल्प पत्र हमारे एक आध दिन में जल्दी ही आ जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, जिनका स्पष्ट तौर से मानना है कि वह अब वचन पत्रों का जवाब संकल्प पत्र से देंगे। कैमरामैन नंद किशोर सैनी के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।